पीडीएम सियासी यतीमों का एक बेरोजगार टोला फिर रहा है और इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि अपनी करप्शन के लिए अवाम को ये जलीलो खार करना चाहते हैं। इनके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं और जब जरदारी साहब की बेटी की मंगनी हुई थी तब इन्होंने कोरोना टेस्ट मैंडेटरी रखा था कि जो कोरोना टेस्ट नेगेटिव होंगे वो मंगनी में शामिल हो सकेंगे। इनकी अपनी जानों को इतना ख़तरा है तो इनको कितनी फिक्र थी, और अवाम की जानों का ये सौदा करना चाहते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। मैं लाहौर की अवाम को और लाहौर के गिर्द नवा तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस करप्शन बचाओ मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, और ये जो 40 साल से एक दूसरे को गालम गलोच किया करते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, ऐसी कौन सी वजह हो गई है कि ये सारे कल के मुखालिफ आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं? इनसे पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है, इकॉनमी मजबूत हो रही है, इदारे अपनी अपनी जगह पर सही काम करने की पोजीशन में जा रहे हैं। ये मुल्क को इंडिया का जो बयानिया है उनका बयानिया और अपोजिशन का बयानिया आप कंपैरिजन करें बिल्कुल सेम है। ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और मुल्क आवाम के लिए मुश्किल पैदा करना चाहते हैं। लोग इनके इस झूठे प्रोपेगंडे में नहीं आएंगे। पाकिस्तान जो कहते थे कि तब्दीली आ रही है, तो तब्दीली आपको कल लाहौर के जलसे में नजर आए।